सो हेलो स्टूडेंट्स, सो अगेन माई सेल्फ नरेंद्र कुमार। तो ये मेरा थर्ड वीडियो है। इसके अंदर क्लास ट्वेल्थ के जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स है उनका रिवीजन हो रहा है एक टाइप से, जेई एडवांस के 2007 से 2018 तक, 2011 तक के बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एक दो क्वेश्चन रह गए हैं। सो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो देखिए उसी क्वेश्चन को डील करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, करेक्ट फंक्शनल ग्रुप एक्स एंड द रिएजेंट एंड रिएक्शन कंडीशन वाई इन द फॉलोइंग स्कीम। एक स्कीम दे रखी है, इसके अंदर हमें किसी एक रिएक्टेंट को रिएजेंट वाई के साथ रिएक्ट कराने से एक कोई प्रोडक्ट बन रहा है, उसको फिर इस डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कंडेंसेशन पॉलीमर प्रोड्यूस हो जाएगा। सो ये जो हमारा कंडेंसेशन पॉलीमर है वो क्या होगा? तो देखिए, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को आप डाई अमीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये नाइलॉन टाइप का बन सकता है या जो है पॉलिएस्टर टाइप का बन सकता है। तो एक्स को अगर हम देखते हैं तो ये यहाँ पे ए ऑप्शन में एस्टर ग्रुप दे रखा है एक्स के लिए, और वाई रिएजेंट दे रखा है हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ निकल। तो जैसे मैंने पहले भी किसी वीडियो में आपको बताया होगा कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिड्यूस एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। हम कर सकते हैं बट बहुत डिफिकल्ट होता है, तो जनरली प्रिफर नहीं करते हैं यहाँ पे। तो ये जो है, इट्स नॉट पॉसिबल टू रिड्यूस दिस एस्टर टू द एल्कोहल बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कंडीशन। तो ये ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो आप वैसे ही रूल आउट कर दीजिए, क्योंकि ये जो हमारे पास में दोनों एसिड डेरिवेटिव है और एसिड डेरिवेटिव का हम जो है कैटालिटिक कंडीशन में हाइड्रोजनेशन कंडीशन में रिडक्शन नहीं कर पाते हैं। ये अमाइड है, इस अमाइड को Br2NOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन होगा, और हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन से ये जो है वो डाइअमीन प्रोड्यूस हो जाएगा, और डाइअमीन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करके डाई ये पॉलीअमाइड बना लेगा नाइलॉन टाइप का, तो ये नाइलॉन 6N4 हो जाएगा यहाँ पे। और डी ऑप्शन को अगर हम देखते हैं तो ये साइनाइड है, इजीली कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में रिड्यूस हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो है वो प्राइमरी डाइअमीन बन जाएगा, और इसका भी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन होकर के ये नाइलॉन 6 प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये जो है हमारे पास में सी और डी जो है अप्रोप्रिएट आंसर इसके होने चाहिए मेरे हिसाब से, तो ये सी एंड डी अप्रोप्रिएट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, मैच द रिएक्शंस इन कॉलम वन विथ अप्रोप्रिएट टाइप्स ऑफ स्टेप्स एंड रिएक्टिव इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन दीज रिएक्शंस एज गिवन इन कॉलम टू। तो ये कॉलम टू के अंदर कुछ टाइप्स ऑफ स्टेप्स और रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स गिवन है, और कॉलम वन के अंदर कुछ रिएक्शंस गिवन है, तो इनको हमें देख लेना है। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो हमारे पास में ए ऑप्शन के अंदर जो रिएक्शन गिवन है, इस रिएक्शन को अगर हम देखते हैं तो ये बेसिकली एक इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन टाइप की रिएक्शन हो गई है। तो इस इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये जो है बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी नहीं है। डिहाइड्रेशन यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी होता है, और कार्बेनाइन भी इसके अंदर इन्वॉल्व रहता है। तो ए के लिए बेस्ट चॉइस जो है हमारे पास में आर है, और ए के लिए जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी होगा, जो कार्बेनाइन है इनोलेटाइन है वो अटैक करेगा, और इसके अंदर ये हमारा कार्बेनाइन भी इन्वॉल्व है, तो आर एस टी जो है करेक्ट चॉइस हो जाएगा। बी ऑप्शन को अगर हम देखेंगे तो ये जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजन का जो CH3 है, ठीक है, ये न्यूक्लियोफिलिक होगा, कार्बेनाइन टाइप का होगा, और ये इस कार्बन पर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही ये पाई बॉन्ड बाहर निकल जाएगा फिर ये जो O- होगा वो एज ए न्यूक्लियोफाइल इंट्रामोलिकुलरली ये इसके अंदर अटैक करेगा, ठीक है, इंट्रामोलिकुलरली ये इसमें अटैक करेगा, तो ये जो है हमारा सिंपल सा ये यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, Cl बाहर चला जाएगा, तो ये एक तो देखिए मैं बता देता हूँ क्या हुआ, इसमें कार्बेनाइन जो है हमारा इन्वॉल्व है बट फ्री कार्बेनाइन नहीं है यहाँ पे, तो कार्बेनाइन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कार्बेनाइन डायरेक्टली यहाँ पे है बट फ्री फॉर्म में नहीं है जैसे इसके अंदर होता है।
तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ये इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है, डिहाइड्रेशन भी इसके अंदर नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है, तो इसका पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया, तो ये बी ऑप्शन के अंदर हम कहेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो पी इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये इसके आंसर होने चाहिए. नाउ सी को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये जो हमारे पास में एक कीटोन है, इस कीटोन का H2SO4 से प्रोटोनेशन होगा, ठीक है, ये H2SO4 से प्रोटोनेट हो जाएगा कीटोन, और फिर ये जो हमारे पास में कीटोन है इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगा इस कार्बोनिल कार्बन पर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप का हो गया ये सिंपल सा, और फिर यहाँ पे डिहाइड्रेशन भी इंडिकेट हो रहा है, डबल बॉन्ड भी बना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, पहले से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पे सी के अंदर देखिए न्यूक्लियोफिलिक जो है हमारे पास में सब्स्टिट्यूशन तो नहीं हुआ है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी नहीं हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ और डिहाइड्रेशन हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड डिहाइड्रेशन, दैट इज आर एंड एस, सो इसके अंदर जो है सिंपल सा हमें आर एंड एस को कंसिडर करना चाहिए. सो आई होप आप समझ पा रहे होंगे क्या है यहाँ पे. और ये यहाँ पे अगेन जो है हमारे पास में एक अल्कोहल हो गया, इस अल्कोहल का H2SO4 के साथ प्रोटोनेशन होगा, ये H2O की तरह बाहर निकल जाएगा और फिर ये कार्बन एज ए इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन रिंग पर अटैक कर जाएगा, तो ये बेसिकली फ्रेडल क्राफ्ट टाइप की रिएक्शन हो गई है, इंट्रामोलिकुलर फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन टाइप का, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है. डिहाइड्रेशन इसके अंदर जो है यहाँ पे ये H2O का तो लॉस हुआ ही है, तो डिहाइड्रेशन तो यहाँ पे इसको हम कंसिडर करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना, डिहाइड्रेशन भी यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन Q एंड डिहाइड्रेशन, तो Q एंड R इसके लिए अप्रोप्रिएट आंसर्स हो जाएंगे. तो मेरे हिसाब से ए ऑप्शन में आर एस टी आना चाहिए और बी ऑप्शन में पी एस आना चाहिए और सी ऑप्शन में आर एंड एस आना चाहिए और डी ऑप्शन में क्यू एंड आर आना चाहिए. चेक कर लेते हैं आंसर को और वो यही आंसर शो कर रहा है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पेपर 2012 से है और ये नंबर ऑफ एल्डोल रिएक्शंस दैट अकर्स इन द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज, ये हमारे पास में वन मोल एसिटल्डिहाइड का है और 4 मोल फॉर्मल्डिहाइड है, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और एक ये हमारे पास में पेंटाइरिथ्रोल टाइप का प्रोडक्ट बन गया है, इसमें नंबर ऑफ एल्डोल रिएक्शंस हमें आइडेंटिफाई करना है. तो देखिए एसिटल्डिहाइड के अंदर मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एल्डोल रिएक्शन जो हो सकता है वो 3 हो सकती है क्योंकि इसके पास में 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है. सो नंबर ऑफ एल्डोल रिएक्शन जो है यहाँ पे बेसिकली ये जो 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है इसी से हम आंसर कर सकते हैं, 3 एल्डोल रिएक्शंस आर पॉसिबल, वेरी इजी. आप स्टेप करके देख सकते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन कैसे होता है, क्या होता है, तो इसमें वन बाय वन आप करेंगे तो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम आपके चले जाएंगे और फिर उसके बाद में एक जो है वो क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन होगी, तो 4 मोल फॉर्मल्डिहाइड के कंज्यूम हो जाएंगे, तो इसका जो आंसर है वो हमारा सी आंसर जो है अप्रोप्रिएट नज़र आ रहा है नंबर ऑफ एल्डोल रिएक्शन के लिए, तो सी आंसर करेक्ट हो गया. कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन, तो ये कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स गिवन है और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप किसके अंदर प्रेजेंट है, पिक्रिक एसिड एक फिनोलिक कंपाउंड है, बारबिट्रिक एसिड एक जो है वो इमाइड टाइप का है जिसमें CONHCO टाइप का ग्रुप होता है, एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो एक बेसिकली इनोलिक एस्टर है और एस्प्रिन जो है बेसिकली एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो एस्प्रिन जानते हो आप लोग, वेल नोन कंपाउंड है ये, सो डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा. नाउ आइडेंटिफाई द बाइनरी मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड इंटू इंडिविजुअल कंपाउंड्स बाई डिफरेंट एक्सट्रैक्शन एज शोन इन द गिवन स्कीम, तो एक कंपाउंड वन और कंपाउंड टू का मिक्सचर है एंड दिस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय बोथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एज वेल एज सोडियम बाइकार्बोनेट, सो दोनों से इसको हमें सेपरेट करना है, तो दोनों से अगर इसको सेपरेट करना है तो देखिए कोई हमारे पास में ऐसा इस मिक्सचर के अंदर कॉम्बिनेशन होना चाहिए जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट दोनों के साथ रिएक्ट करे, बट दोनों कंपाउंड दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए, तो इसका मतलब डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एल्कोहल होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एल्कोहल होना चाहिए, ऑप्शन के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एल्कोहल होना चाहिए, ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एल्कोहल ये रहा,
कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये अल्कोहल है, और ये हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये अल्कोहल है. आइडिया ये था कि दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन दोनों कंपाउंड में से एक ही कंपाउंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट करेगा और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट करेगा. तो देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो जो है फिनोलिक कंपाउंड भी रिएक्ट करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी रिएक्ट करते हैं, बट बाइकार्बोनेट के साथ सिर्फ जो है हमारे पास में ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट करते हैं. कुछ स्पेशल फिनोलिक कंपाउंड्स, पिक्रिक एसिड वगैरह, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं. अल्कोहल दोनों के साथ ही रिएक्ट नहीं करेगा. तो अगर मैं सोचता हूँ कि एक मेरा जो है अल्कोहल होगा और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, तो ईजिली ये मिक्सचर दोनों स्कीम से सेपरेट हो सकता है. तो इसलिए इसका जो आंसर है वो बी और डी अप्रोप्रिएट आंसर होगा. ए जो है अप्रोप्रिएट आंसर नहीं होगा, क्योंकि ए में देखिए कि ये स्कीम वन में रिएक्ट कर जाएगा, NaOH के साथ फिनॉल रिएक्ट कर जाएगा और ये भी रिएक्ट कर जाएगा, दोनों ही NaOH के साथ रिएक्ट कर जाएंगे. तो NaOH को यूज़ करके सेपरेट नहीं कर सकते. और इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो ये जस्ट स्कीम वन से सेपरेट हो जाएगा, लेकिन स्कीम टू से सेपरेट नहीं होगा, बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन से सेपरेट नहीं होगा. तो बी और डी इसका आंसर आना चाहिए. ये बी और डी इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर 2012 वन से है. एंड सब्सिक्वेंट R1 R2 फॉर 9 पेप्टाइड्स आर लिस्टेड इन द टेबल गिवन बिलो. हाउ मेनी ऑफ दीज पेप्टाइड्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एट pH इक्वल्स टू 7. तो pH इक्वल्स टू 7 का मतलब जस्ट एक टाइप से आपके पास में न्यूट्रल वाटर हो गया है, और उसके अंदर इस पेप्टाइड को अगर आप डाल देते हो तो हाउ मेनी दीज पेप्टाइड्स आर पॉजिटिवली चार्ज. तो इसका मतलब कोई एडिशनल बेसिक ग्रुप होना चाहिए. किसी बेस को वाटर में डाल देंगे तो प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेगा, ठीक है. अमीन्स ऑर्गेनिक बेस की बात कर रहे हैं, अमीन को वाटर में डाल देंगे तो प्रोटोनेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, ठीक है. प्रोटोनेटेड फॉर्म उसका जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. तो आर वन और आर टू दोनों में से किसी एक के अंदर जो है हमारा कोई एडिशनल बेसिक ग्रुप होना चाहिए. तो एडिशनल बेसिक ग्रुप होना चाहिए, ये हम चेक कर लेते हैं कि एडिशनल बेसिक ग्रुप जो है किसके अंदर मिलेगा. सो एडिशनल बेसिक ग्रुप हमें ढूंढना है. तो देखिए, ये यहाँ पे ये हमारा वन तो नहीं हो सकता है, ठीक है. इसमें कोई भी एडिशनल बेसिक ग्रुप नहीं है. सिमिलरली टू भी नहीं हो सकता है, इसमें भी कोई एडिशनल बेसिक ग्रुप नहीं है. नाउ यहाँ पे भी कोई एडिशनल बेसिक ग्रुप नहीं है. अमाइड्स आर नॉट कंसिडर इन एडिशनल बेसिक ग्रुप्स, बट ये जो हमारे पास में ये जो है वो एडिशनल बेसिक ग्रुप है, ठीक है. ये दोनों ही अमाइड है, इसलिए ये हमारे पास में एडिशनल बेसिक ग्रुप की कैटेगरी में नहीं आएंगे. अमाइड्स आर नॉट सिग्निफिकेंटली बेसिक इन नेचर. ये यहाँ पे दोनों ही जो है वो बेसिक ग्रुप के अंदर आ जाएंगे. तो यहाँ पे जो है पॉजिटिवली चार्ज फॉर्म में होना चाहिए. तो ये दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है. नाउ ये हमारा नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर एक एसिडिक ग्रुप में है और एक अमाइड ग्रुप के अंदर आ गया. ये जो है आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक बेसिक ग्रुप आ गया है, ठीक है. और यहाँ पे भी ये भी आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर भी एक बेसिक ग्रुप आ गया. तो ये चार पेप्टाइड्स ऐसे हैं, ठीक है, विच आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एट pH इक्वल्स टू 7. तो आंसर इसका 4 है. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है. व्हेन द फॉलोइंग एल्डोहेक्सोस एग्जिस्ट इन इट्स डी कॉन्फिग्रेशन द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इन इट्स पायरेनोस फॉर्म. तो इसकी पायरेनोस फॉर्म का स्ट्रक्चर बना लेते हैं. तो इसकी पायरेनोस फॉर्म का स्ट्रक्चर अगर बनाओगे आप, तो ये हमारे पास में एल्डिहाइड हो गया, इसके पास में 4 OH ग्रुप है. थर्ड कार्बन का OH जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा, बाकी सारे OH राइट हैंड साइड में होंगे. ये डी फॉर्म की बात कर रहा है. तो ये वाला जो OH है हमारा वो भी राइट हैंड साइड में होगा. अब ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये बाहर चला जाएगा, तो इसकी पायरेनोस फॉर्म आ जाएगी. तो ये हमारे पास में पायरेनोस फॉर्म आ गई, और कह रहा है कि इन डी फॉर्म. तो डी फॉर्म के अंदर ये CH2OH यहीं रहेगा और ये फिक्स हो जाएगा. डी कॉन्फिग्रेशन ये इसका कुछ न कुछ होगा ही होगा. डी कॉन्फिग्रेशन में ये अबव द प्लेन रहेगा. तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये इसका डी कॉन्फिग्रेशन है. अब इस डी कॉन्फिग्रेशन के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहां पे हमारे पास में एक OH ग्रुप रहेगा, यहां पे एक OH ग्रुप रहेगा, यहां पे एक OH ग्रुप रहेगा, ठीक है. और ये स्ट्रक्चर जो है मैंने थोड़ा गलत बना दिया है. ये CH2 है बीच में, यहां पे H है, सेकेंड कार्बन जो है बेसिकली CH2 है. तो यहां पे कोई OH नहीं रहेगा, ठीक है. ये फर्स्ट कार्बन है, तो फर्स्ट कार्बन पे OH होगा, बट ये सेकेंड कार्बन पे कोई OH नहीं होगा और यहाँ पे OH होगा. तो देखिए, ये वाला कार्बन हमारा काइरल है, ये वाला कार्बन हमारा काइरल है, और ये वाला कार्बन जो है वो काइरल है.
सो इसके अंदर इसको फिक्स ही रखना है, ये डी कॉन्फिग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको फिक्स रहते हुए यहाँ पे ये तीन कायरल कार्बन एटम है, तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इसके अगर हम देखेंगे पायरेनोस फॉर्म में, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इन पायरेनोस फॉर्म में वो 2 to the power 3 हो जाएंगे, दैट इज 8 स्टीरियो आइसोमर्स आ जाएंगे. सो इसका आंसर, करेक्ट आंसर 8. नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, द कंपाउंड दैट अंडरगोज डी कार्बोक्सिलेशन मोस्ट रेडिली अंडर माइल्ड कंडीशंस. तो ये मैंने पहले भी बताया था, जैसे कि बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड है या जैम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऑन हीटिंग ईजिली अंडरगोज डी कार्बोक्सिलेशन. तो ये जो है बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये एक बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अल्फा कार्बन हो गया और ये बीटा कार्बन एटम हो गया, बाकी ये हमारा बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है और कोई भी जैम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी नजर नहीं आ रहा, तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर आंसर बी होगा, करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर प्रोडक्ट एच ऑफ द गिवन रिएक्शन सिक्वेंस इज. तो ये एक साइनाइड है, इसको मिथाइल कीटोन के साथ हम रिएक्ट करा रहे हैं, तो साइनोहाइड्रिन डेरिवेटिव बन जाएगा, फिर H प्लस एक्सेप्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट कर दिया, तो इसका मतलब वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा और साथ साथ में अल्कोहल में भी कन्वर्ट हो जाएगा और डिहाइड्रेशन भी पैरेलली होगा यहाँ पे. तो ये बहुत सारी रिएक्शंस का एक कॉम्बिनेशन हो गया है, तो इसको हम केयरफुली चेक कर लेते हैं. सो हमारे पास में ये 2-butanone है, तो इस 2-butanone को साइनाइड के साथ अगर हम रिएक्ट कराएंगे, तो ये साइनाइड एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर जाएगा और प्रोडक्ट इसका जो बनेगा वो C(N) एंड ये O- आ गया. अब इसको जब आप 95% H2SO4 के साथ जब रिएक्ट कराएंगे, तो ये 95% H2SO4 के साथ जब रिएक्ट करेगा, तो ये यहाँ पर जो है एक C(N) और H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा और साइमल्टेनियसली इसका जो है वो हाइड्रोलिसिस भी हो जाएगा, तो इसके हाइड्रोलिसिस से ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा. अब इस अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड को ही हीट किया जा रहा है 95% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा, इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो डिहाइड्रेशन से जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये प्रोडक्ट आ गया हमारे पास में, कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप तो रिटेन रहेगा ही रहेगा और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे. सो यहाँ पे कोई स्टीरियो केमिस्ट्री कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो 2 methyl group होंगे डबल बॉन्ड पे और 1 carboxylic acid group होंगे, तो 2 methyl group विशनल फॉर्म में, 2 methyl और 1 carboxylic acid. तो विशनल फॉर्म में 2 methyl group, ये हमारे पास में ए ऑप्शन में गिवन है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप विद डबल बॉन्ड ढूंढना है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड विद डबल बॉन्ड ए ऑप्शन में गिवन है, तो दैट इज द आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विद रेफरेंस टू द स्कीम गिवन, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स अबाउट टी यू वी एंड डब्ल्यू इज आर करेक्ट. सो इसका भी हम एक फ्लो चार्ट टाइप बना लेते हैं, फिर देख लेते हैं कि ये क्या इसके अंदर पॉसिबिलिटीज है. सो ये कंपाउंड है हमारे पास में, एक एस्टर है, साइक्लिक एस्टर, और ये CH3 यहाँ पे प्लेस्ड है. इस एस्टर को हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जब हम रिएक्ट कराएंगे, तो ये जो है रिड्यूस हो जाएगा, इसके रिडक्शन से ये जो हमारा OH ग्रुप है वो भी प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाला जो है हमारा वो भी प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये कार्बन एज इट इज रहेगा. तो ये प्रोड्यूस हो गया है यू. अब इस यू को रिएक्ट कराया जा रहा है एक्सेस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ. तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो जो जितने भी OH ग्रुप है वो सारे OCOCH3 में कन्वर्ट हो जाएंगे.
एसिटाइलेशन हो जाएगा, सो ये आ गया W, और U को अगर हम रिएक्ट करा देते हैं CrO3 एसिडिफाइड CrO3 के साथ, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ये मिथाइल ग्रुप है, सो दिस इज V. सो वेरियस ऑप्शंस को अगर हम देखेंगे, टी इज सॉल्युबल इन हॉट एक्वस NaOH, दिस इज टी, सो टी इज सॉल्युबल इन हॉट एक्वस NaOH, तो बेसिकली ये एक एस्टर है, एस्टर्स आर सॉल्युबल इन हॉट एल्कली, यू इज ऑप्टिकली एक्टिव, दिस इज यू, तो यहाँ पे ये कार्बन है, इस कार्बन के पास में एक एच भी है, बट ये वाला जो हमारा ग्रुप है CH2CH2OH और ये वाला जो हमारा ग्रुप है CH2CH2OH वो सेम है, सो दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, सो ये U जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और हमें फाइंड आउट करने हैं स्टेटमेंट्स, करेक्ट स्टेटमेंट्स जो है वो कौन से, तो A करेक्ट है, B इज नॉट करेक्ट, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ W इज C10H18O4, तो W हमारा ये हो गया, तो आप काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कार्बन तो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और ऑक्सीजन भी यहाँ पे 1, 2, 3, 4 दिखाई दे रहे हैं, हाइड्रोजन हम दे सकते हैं 3, 3, 6, 3, 9, एटीन हाइड्रोजन भी इसके अंदर हमें नजर आ रहे हैं, तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट है, एंड वी गिव्स एफरवेसेंस ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वा सोडियम बाइकार्बोनेट, वी गिव्स एफरवेसेंस ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वा सोडियम बाइकार्बोनेट, तो वी हमारा ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, सो कार्बोक्सिलिक एसिड्स व्हेन ट्रीटेड विद एक्वा सोडियम बाइकार्बोनेट गिव्स एफरवेसेंस, तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, तो ए सी डी आर द करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन, सो ए सी डी आर द करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपाउंड दैट डज नॉट लिबरेट CO2 ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, तो देखिए जो हमारे पास में एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर, एसिडिक नेचर स्पेशली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस मिल रहे हैं, एक प्रीवियस वीडियो के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे कंपाउंड्स गिवन है विच आर सॉल्युबल इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस टाइप के हैं, है ना, एक ही और आ गया, और एक सेपरेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आया था, सो ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट कंपाउंड दैट डज नॉट लिबरेट CO2, तो ये यहाँ पे जो है फिनोलिक कंपाउंड लिबरेट नहीं करते हैं, बाकी सारे कार्बोक्सिलिक एसिड लिबरेट करेंगे, सल्फोनिक एसिड जो है वो लिबरेट करेंगे, सो बेंजोइक एसिड एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये लिबरेट करेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड का डेरिवेटिव है, सल्फोनिक एसिड्स लिबरेट करते ही करते हैं, सैलिसिलिक एसिड भी एक स्ट्रॉन्गर एरोमेटिक एसिड है, ये लिबरेट करेगा ही करेगा, कार्बोलिक एसिड जो है फिनॉल ये लिबरेट नहीं करेगा, वीकर एसिड है, इट इज़ वीकर देन कार्बोनिक एसिड, तो इसका आंसर डी आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 पेपर 1 से है, और KI इन एसीटोन अंडरगोज SN2 रिएक्शन विथ ईच ऑफ PQR and S, द रेट्स ऑफ द रिएक्शन वेरी, तो यहाँ पे एसीटोन के साथ रिएक्शन हो रही है और SN2 मैकेनिज्म से हो रही है, तो SN2 मैकेनिज्म के अंदर तो एक स्टेरिक क्राउडिंग हमें नोटिस करना होता है, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो एक फेवरेबल फैक्टर है, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये जो Q हमारा है दैट इज लीस्ट रिएक्टिव, क्यू जो होगा वो लीस्ट रिएक्टिव होगा, ठीक है, ये लीस्ट रिएक्टिव रिएजेंट आएगा इसके अंदर यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्बन है हमारा ये क्राउडेड कार्बन एटम है, इस पर दो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो क्यू जो होगा वो लीस्ट रिएक्टिव होगा. अच्छा, अब ये जो मिथाइल है इस मिथाइल के बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये जो हमारा ग्रुप है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह ये बिहेव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इंक्रीज कर देता है, सिमिलरली ये जो हमारा ग्रुप है वो भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, तो इस ये भी रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा, बट इसका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है वो इसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट से ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब एस जो है हमारा मोस्ट रिएक्टिव होगा और क्यू जो है वो लीस्ट रिएक्टिव होगा, एस मोस्ट रिएक्टिव एक ही ऑप्शन में गिवन है, है ना, और Q लीस्ट रिएक्टिव दो ऑप्शंस में गिवन है, इस बेसिस पे आप कह सकते हो, और क्लास में जैसे आपको बताया गया होगा कि
alpha halo ketone are most suitable substrate for SN2 reaction. Alpha halo ketone are most reactive for SN2 reactions. So, this option ke andar hume just isi basis pe karna hai ki Q is least reactive. ठीक है, स्टेरिक क्राउडिंग के बेसिस पे हम कह सकते हैं, तो इसलिए आंसर हमारा बी एंड डी होगा. और उसमें भी अगर हम देखेंगे आर और एस को अगर हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो बोथ आर एंड एस को अगर हम कंपेयर करते हैं, तो एस के अंदर एक जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो इस कार्बन पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्रिएट करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल के साथ इजीली ट्रांजिशन स्टेट जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी. ठीक है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि यहाँ पे ये जो हेलोजिनेशन के अंदर हम रिएक्शन करते हैं, तो उस टाइप की रिएक्शन की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे इजीली होने लगेगी. सो इसका आंसर बी आना चाहिए और वो बी करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम ये देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या होगा. 2013 के अंदर अमंग पी क्यू आर एंड एस द एरोमेटिक कंपाउंड इज आर. तो ये रिएक्शंस हो रही है, इनके अंदर क्या कंपाउंड्स प्रोड्यूस होंगे ये हमें चेक करना है. सो ये जो हमारे पास में कंपाउंड है इसको AlCl3 के साथ हम रिएक्ट करा रहे हैं, तो ये क्लोरीन का जो लॉन पेयर है इसके साथ कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बनेगा, और फिर ये क्लोरीन इस लॉन पेयर को लेकर के बाहर आ जाएगा, तो ये एक एरोमेटिक सॉल्ट बन जाएगा. यहाँ पे प्लस और ये Cl4-, तो ये पी जो है वो एरोमेटिक है, इसको हमें कंसिडर करना है. सेकेंड रिएक्शन के अंदर ये जो साइक्लोपेंटा डाइईन है, ठीक है, रिमेंबर दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन. ये स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन एसिड है. अब इसको आप किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, NaH के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो ये बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करेगा, तो ये एसिडिक एच यहाँ से बाहर निकल आएगा और ये अगेन एक एरोमेटिक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा प्लस H2. तो ये क्यू जो है वो भी हमारा एक एरोमेटिक हो जाएगा प्रोडक्ट जो बन रहा है. अब यहाँ पे ये जो हमारे पास में एक डाइओन है और इस डाइओन को हम हीट कर रहे हैं अमोनियम कार्बोनेट के साथ, तो इस टेम्परेचर पर अमोनियम कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा लाइक कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट थोड़े हायर टेम्परेचर पर डिकम्पोज होता है, अमोनियम कार्बोनेट और लोअर टेम्परेचर पर डिकम्पोज हो जाता है, लिटिल बिट हीटिंग अबाउट रूम टेम्परेचर, तो अमोनिया रिलीज होगा. ये अमोनिया जो है वो इस कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर जाएगा और दो बार रिएक्ट करेगा और ये एक हमारे पास में इस टाइप का प्रोडक्ट जो है फॉर्म हो जाएगा. अब ये हीटिंग जो है कंटिन्यू है, तो इस हीटिंग का इफेक्ट ये होगा कि लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा. तो एक तो हम ये कह सकते हैं कि अमोनिया डेरिवेटिव की जो रिएक्शंस आप करते हो उसके बेसिस पे बता सकते हो कि ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा. ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप के अंदर हीटिंग कंटिन्यू रहेगी, तो ये भी टर्शियरी अल्कोहल है, ईजीली डिहाइड्रेट हो जाएगा और इसके डिहाइड्रेशन से जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा. ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड के अंदर टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है. ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन काफ़ी एसिडिक होगा जैसे यहाँ पे मैंने बताया था, तो ये टॉटोमेरिज्म रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, टॉटोमराइज हो जाएगा, यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और H जो है इधर शिफ्ट कर जाएगा. तो ये एरोमेटाइज्ड हो रहा है इसलिए इसकी ये एरोमेटिक फॉर्म जो है वो ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होगी, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया है यहाँ पे. व्हाट इज दिस आर. सो आर इज आल्सो एरोमेटिक, आर इज आल्सो एरोमेटिक. एस को अगर हम देखेंगे तो ये जो है बेसिकली एक कीटोन टाइप का है, तो एच प्लस कीटोन को प्रोटोनेट कर देगा, तो ये कीटोन जब प्रोटोनेट हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस आएगा और ये इलेक्ट्रॉन पर जब यहाँ चला जाएगा तो इस कीटोनिक कंपाउंड का प्रोटोनेटेड फॉर्म का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा और इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर ये एरोमेटिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. Cl- आयन पेयर रहेगा इसके साथ में, तो S जो है ये भी एरोमेटिक है. सो ऑल आर एरोमेटिक. सो अमंग P, Q, R एंड S द एरोमेटिक कंपाउंड इज R. ऑल आर एरोमेटिक कंपाउंड. ABCD इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन.
So next question यहाँ पे हमारे पास में है total number of carboxylic acid groups in the product P is. तो product P को identify करना है और फिर इसमें total number of carboxylic acid group ढूंढने हैं. तो structure बनाते हैं product P का. तो ये जो भी हमारे पास में कंपाउंड है इसको H3O प्लस के साथ रिएक्ट करा रहे हैं. तो ये जो हमारा एनहाइड्राइड है ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा. तो एनहाइड्राइड हाइड्रोलाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया. नाउ ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है ये बेसिकली बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड है. तो ये बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड है. सो यहाँ पे आप इसको हाइड्रोलाइज करते समय एच पर क्वेश्चन हीट भी कर रहे हैं. तो हीट जब करेंगे तो ये 2CO2 का लॉस हो जाएगा. बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग रेडिली अंडरगोज डीकार्बोक्सिलेशन. तो ये प्रोडक्ट बन गया. अब इसका जो है ओजोनोलिसिस हो रहा है और फिर H2O2 के साथ रिएक्शन हो रही है. तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर. डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ. सो टोटल नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इन प्रोडक्ट पी. प्रोडक्ट पी में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप फाइंड आउट करेंगे तो दो ही कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नजर आ रहे हैं प्रोडक्ट पी के अंदर. तो दैट इज आंसर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टोटल नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेलामाइन. मेलामाइन में नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है. सो इफ यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ मेलामाइन देन ओनली यू कैन प्रेडिक्ट टोटल नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो मेलामाइन बेसिकली यूज होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन. तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कुछ इस टाइप का होगा. आप अपनी टेक्स्ट बुक से चेक कर सकते हैं. इसको हम ये जो हमारे पास में साइनामाइड है साइनामाइड के पॉलीमराइजेशन साइनामाइड के ट्राइमराइजेशन से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है. जैसे सपोज ये मेरे पास में जो कंपाउंड है CH मतलब सी ट्रिपल बॉन्ड एन NH2. इसका ट्राइमराइजेशन अगर हम करेंगे एसिडिक मीडियम के अंदर तो ये जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये टोटल नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें हमें फाइंड आउट करने हैं. सो एवरी नाइट्रोजन हैज वन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पर बेसिकली ये बॉन्ड जो है गलत जगह पे बन गया यहाँ पे क्योंकि स्ट्रक्चर के अंदर जो चेंजेस करने होंगे हमें यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन ग्रुप होगा और यहाँ पे N क्योंकि CN है कार्बन से नाइट्रोजन बॉन्डेड है बेसिकली NH2 C ट्रिपल बॉन्ड N टाइप का स्ट्रक्चर होगा ये. तो कार्बन से नाइट्रोजन बॉन्डेड होगा. वैलेंसी वाइज सेट नहीं हो रहा था इसलिए चेंज किया है मैंने. नाइट्रोजन तो उतने ही रहेंगे. लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आपको ढूंढना है ना तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए वैलेंसी तो सेटिस्फाई होनी चाहिए ना. सो दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मेलामाइन. सो एवरी नाइट्रोजन पजेस वन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो टोटल नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर 6 3 एंड 3 6 6 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इन द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज आर. तो ये रिमर टीमन टाइप की रिएक्शन हो गई. इस रिमर टीमन टाइप की रिएक्शन के अंदर क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा ये हमें चेक करना है. सो वेरी इजी रिएक्शन वेल नोन रिएक्शन. ये पैराक्रिसोल है और पैराक्रिसोल को रिमर्टिमन रिएक्शन में अगर हम यूज करेंगे तो एक नॉर्मल प्रोडक्ट और एक एबनॉर्मल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है.
So CHCl3 and OH minus, ठीक है, मैं मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ कि एक नॉर्मल प्रोडक्ट बनेगा और एक एबनॉर्मल प्रोडक्ट बनेगा. हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि एसिडिफिकेशन भी कंप्लीट हो गया है, तो ये हमारा नॉर्मल प्रोडक्ट है और इसके साथ में एक एबनॉर्मल प्रोडक्ट बनेगा. ठीक है, डाई नहीं करना है हमें, मोनो सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन ही है यहाँ पे और ये एबनॉर्मल प्रोडक्ट होगा. ये मेजर प्रोडक्ट होगा नॉर्मल प्रोडक्ट और ये हमारा एबनॉर्मल प्रोडक्ट जो है वो माइनर अमाउंट में प्रोड्यूस होगा. तो हम चेक कर सकते हैं कि एक Q प्रोड्यूस होगा और एक S प्रोड्यूस होगा. Q एंड S आर द प्रोडक्ट, Q एंड S आर द प्रोडक्ट. तो Q और S जो है ऑप्शन बी और डी के अंदर गिवन है एंड Q माइनर है, करेक्ट. ये माइनर होगा तो इसको Q कहेंगे और ये मेजर होगा तो ये S हो जाएगा. सो बी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शंस. नेक्स्ट, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज आर, तो ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड है और इसको ब्रोमीन के तीन इक्विवेलेंट्स के साथ आप रिएक्ट करा रहे हो तो ट्राइब्रोमोफिनॉल बन जाएगा और ट्राइब्रोमोफिनॉल के साथ साथ यहाँ पे यू रिमेंबर कि ट्राइब्रोमोफिनॉल जो है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल होता है. तो ये ब्रोमिनेशन कम डीसल्फोनेशन टाइप की रिएक्शन हो जाएगी, एक वेल नोन रिएक्शन है. यू कैन रिवाइज मैकेनिज्म थ्रू योर क्लास नोट्स. सो ऑप्शन क्यू इसका जो है अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शंस 1 and 2 द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द रिएक्शन मिक्सचर इज आर. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो इसको हम स्टडी करते हैं कि क्या हमारे पास में यहाँ पर ऑप्शंस नजर आएंगे. तो देखिए, बेसिकली हमारे पास में एसीटोन है और एसीटोन का 1 mole हमने ले लिया और उसको Br2 के साथ एक्वस NaOH के साथ एक्वस NaOH की प्रेजेंस में रिएक्ट करा रहे हैं. ठीक है, तो देखिए ये जो हमारे पास में एसीटोन है, इस एसीटोन को हेलोजन के साथ अगर हम रिएक्ट कराते हैं अलग अलग कंडीशन के अंदर, तो जैसे ये ब्रोमीन के साथ अगर हम रिएक्ट कराते हैं एल्कलाइन मीडियम के अंदर, तो रिमेंबर पॉली हेलोजिनेशन टेक्स प्लेस. रीज़न इसका ये होगा कि अगर सपोज हम मोनो हेलोजिनेशन अगर कर लेते हैं तो क्या होगा कि ये हमारे पास में सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू बी आर बन जाएगा. अब ये जो है वो इनोलाइजेशन के थ्रू रिएक्शन होती है और इनोलाइजेशन के थ्रू रिएक्शन का मतलब है कि ये जो है हमारे पास में मोर एसिडिक हो गया, तो मोर एसिडिक हो गया इसका मतलब मोर रिएक्टिव हो गया, इजीली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है. तो यहाँ पे फर्दर रिएक्शन हो जाएगी इसकी Br2 OH- की प्रेजेंस में और फर्दर रिएक्शन होकर के ये चलता जाएगा और ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. और ये ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव जो है वो OH- के साथ कंबाइन करके ये जो भी हमारे पास में बेस होगा और ये CHBr3 का फॉर्मेशन हो जाएगा. इस रिएक्शन को कंप्लीट फॉर्मेट में अगर हम लिखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में ये CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3 प्लस 3Br2 प्लस 1NaOH गिव्स CH3 COONa प्लस CHBr3 प्लस H2O. ये रिएक्शन बैलेंस हो गई. तो ये जो कीटोन और ब्रोमीन है 1:3 के मोलर रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं, बट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में 1 mole ब्रोमीन है. ठीक है, तो 1 mole ब्रोमीन जब होगा तो इसका मतलब है कि एसीटोन कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो पाएगा, ब्रोमीन कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा. तो ये 1 mole है, ये 1 mole है, ये एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा. तो 1/3 mole इसका यहाँ से रिएक्ट कर जाएगा, 1 में से कुछ पीछे हमारे पास में एसीटोन भी रह जाएगा. नाउ नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर हमें ये कहा गया है कि ये जो हमारा एसीटोन है वो Br2 के साथ रिएक्ट कर रहा है एसिडिक मीडियम के अंदर. तो Br2 के साथ जब ये एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करेगा
तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये इसी टाइप का प्रोडक्ट बन गया CH2Br, और ये फर्दर इनोलाइजेशन के थ्रू ही रिएक्शन होगी। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है मैं स्किप कर रहा हूँ, आप अपनी क्लास कॉपी से चेक कर सकते हो कि ये इनोलाइजेशन के थ्रू रिएक्ट करेगा। तो अब यहाँ पे ये जो रिएक्शन है, हेलोजिनेशन, अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्फा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो यहां पे ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो हमारे पास में स्ट्रक्चर है, यहां पे ये ब्रोमीन, जैसे बेंजीन में हम कहते हैं कि जो क्लोरोबेंजीन है वो डीएक्टिवेटेड है, तो ये जो है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया, डीएक्टिवेट फर्दर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सो डीएक्टिवेट फर्दर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो ये हमारे पास में जो इलेक्ट्रोफाइल का फर्दर अटैक जो है वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा बी आर ग्रुप की वजह से, रिलेटिवली हमें देखना है, क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो OH ग्रुप है इसको एक्टिवेट कर देगा, लेकिन जो हमारे पास में पेरेंट कीटोन है उसके रेस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो ये यहाँ पे ये जो है वो मोर एक्टिवेटेड है, ये लेस एक्टिवेटेड बिकॉज ऑफ दिस बी आर, सो दैट्स वाई फर्दर रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। फर्दर रिएक्शन जो भी होगी वो अनयूज्ड एसीटोन के साथ होगी। यहाँ पे जो फर्दर रिएक्शन है वो जो एसीटोन का मॉलिक्यूल यूज्ड हो गया उसी के साथ होती जाएगी, ये मोर एसिडिक है, एल्कलाइन मीडियम में एच प्लस निकल जाएगा, माइनस बनेगा और बी आर पर एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ से जाके अटैक कर जाएगा सी माइनस। ठीक है, एसिडिक फॉर्म में अगर बाहर निकल जाता है सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, ये एच प्लस आइन बाहर चला गया, ये माइनस हो जाएगा और ये बी आर टू के साथ अटैक करके इसको भगा देगा बाहर। तो यहाँ पे ये 1:1 के रेशियो में रिएक्शन हो जाएगी, 1:1 के रेशियो में रिएक्शन हो जाएगी। तो रिएक्शन 1 है इसमें जो है ट्राई हेलोजिनेशन हो जाएगा, और रिएक्शन 2 जो है इसमें मोनो हेलोजिनेशन हो जाएगा। तो रिएक्शन 1 जो है ट्राई हेलोजिनेशन होगा और रिएक्शन 2 में मोनो हेलोजिनेशन हो जाएगा। तो देखिए मोनो हेलोजिनेशन तो हमें जो प्रोडक्ट दे रखा है वो पी प्रोडक्ट दे रखा है, तो हमारा रिएक्शन 1 के अंदर देखिए जो है पी नहीं बनेगा, रिएक्शन 1 के अंदर टी बनेगा, रिएक्शन 1 के अंदर यू बनेगा और रिएक्शन 1 के अंदर एसीटोन प्रेजेंट रहेगा। तो ये हम पॉइंटर की हेल्प से देख लेते हैं कि रिएक्शन 1 के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, रिएक्शन 1 के अंदर टी रहेगा, ठीक है टी हमारा प्रोडक्ट होगा, रिएक्शन 1 के अंदर यू होगा और रिएक्शन 1 के अंदर एसीटोन भी होगा। ये 1:3 के रेशियो में रिएक्ट करते हैं, ब्रोमीन कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है जी, तो एसीटोन विल आल्सो रिमेन इन द रिएक्शंस, एसीटोन। ओके, नाउ रिएक्शन 2 के अंदर सिर्फ प्रोडक्ट पी बनेगा, ओनली प्रोडक्ट पी इन रिएक्शन 2। तो अब हमें इज आर ढूंढने, सो रिएक्शन 1 पी नो, रिएक्शन 1 में पी नहीं होगा, ठीक है रिएक्शन 1 में यू होगा, एसीटोन होगा नहीं, उसके साथ में टी भी होगा, तो रिएक्शन 1 में टी एंड यू एसीटोन एंड रिएक्शन 2 में पी। तो ये हमारे पास में ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट चॉइस होना चाहिए, तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर नजर आ रहा है। सो नेक्स्ट अगेन एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो इस पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन को अगर हम चेक कर लेते हैं, पी एंड क्यू आर आइसोमर्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड C4H4O4, बोथ डीकलराइज Br2 इन H2O, ऑन हीटिंग पी फॉर्म्स द साइक्लिक एनहाइड्राइड, अपॉन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एल्कलाइन कैमेनोफोर पी एज वेल एज क्यू कुड प्रोड्यूस वन और मोर देन वन फ्रॉम एस टी एंड यू। सो पी एंड क्यू आर आइसोमर्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड C4H4O, तो ये पी जो है C4H4O4 है और क्यू भी C4H4O4 है, दोनों डिकलराइज करते हैं, ऑन हीटिंग पी फॉर्म्स द साइक्लिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ पे
डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन अगर हम निकालते हैं यहाँ पे तो फोर कार्बन की जो एल्केन है उसमें 10 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, इसमें 4 हाइड्रोजन एटम है, 6 हाइड्रोजन एटम मिसिंग, तो 3 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है. तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो 2 तो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप हो जाएंगे और एक डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे. तो हम कह सकते हैं कि एन पी फॉर्म्स साइक्लिक एनहाइड्राइड. तो साइक्लिक एनहाइड्राइड बनाने का मतलब है कि ये जो है सिस कॉन्फिग्रेशन में रहेगा और ये ट्रांस कॉन्फिग्रेशन में चला जाएगा अगर आइसोमर है. तो ये पी हो गया और ये क्यू हो गया, ये पी एंड ये क्यू, वेरी इजी. अपॉन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट अल्कलाइन केमेनोफोर पी एज वेल एज क्यू कुड प्रोड्यूस वन और मोर देन वन. तो यहाँ पे देखिए इसको डाइल्यूट अल्कलाइन केमेनोफोर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सिनहाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा. तो सिन हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब है दो OH ग्रुप सेम साइड से आकर के अटैच्ड हो जाएंगे. तो ये सेम साइड से दो OH ग्रुप आकर के अटैच होगा और इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी तो ये एक मीजो कंपाउंड प्रोड्यूस होगा. इस मीजो के लिए आप फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी कंसिडर कर सकते हो. तो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो है जस्ट इसको ऐसे स्ट्रेट कर दीजिए तो ये एच एच ओ एच एंड ओ एच. तो ये जो है गिवन है एस के अंदर. नाउ इसको अगर हम इसी रिएजेंट के साथ अगर रिएक्ट कराते हैं इसमें भी सिन एडिशन होगा, दोनों ओ एच ग्रुप सेम साइड से अटैक करेंगे. अब इसको हम इस बॉन्ड के अबाउट रोटेट करके सिंपल फॉर्म में लेकर के आ जाते हैं. इसको रोटेट कर लिया हमने, ये 3D स्ट्रक्चर है, इसके अंदर रोटेशन से कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होगा. तो इसको हमने रोटेट कर दिया, ये OH ग्रुप हमारा अबव द प्लेन ही रहेगा और ये जो है वो बिलो द प्लेन चला जाएगा. तो इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है. तो इसका मतलब इसके साथ में इसका एनिनशोमर्स भी बनेगा. मींस यहां पे OH ग्रुप जो है वो बिलो दी प्लेन आ गया और यहां पर भी बिलो दी प्लेन आ जाएगा. सो ये हमारे पास में जो है वो टी एंड यू टाइप का टी और प्लस एनिनशोमर जो होगा वो यू हो जाएगा, टी एंड यू. सो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लेते हैं. सो बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो हमारा S है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है. S इज ऑप्टिकली इनएक्टिव और ये जो है वो बेसिकली रेसेमिक मिक्सचर है, रेसेमिक मिक्सचर. सो क्वेश्चन चेक कर लेते हैं क्या कह रहा है. Compound formed from P and Q are respectively. So P से तो हमारा एक ही product बन रहा है S. So optically inactive S. और ये जो हमारे पास में racemic mixture है that is also optically inactive. So T and U बनेंगे optically inactive और optically inactive S जो produce हो जाएगा P से. तो B इसका correct answer हो जाएगा. फिर ये एक हमारे पास में scheme है यहाँ पे. इस scheme को हमें check करना है. Q को ले लिया हमने और H2 के साथ रिएक्ट करा दिया निकल की प्रेजेंस में, हीट कर रहे हैं हम यहाँ पे. सो Q ये हमारा ट्रांस आइसोमर है. तो ये जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द डेरिवेटिव्स बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन. तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप तो रिड्यूस नहीं होगा, डबल बॉन्ड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ये आइसोमर बन गया, ठीक है. अब ये एक ओपन चेन आइसोमर है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है, ठीक है. ये आ गया हमारा V. नाउ दिस V इज ट्रीटेड विद बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3. तो V ट्रीटेड विद बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3. तो ये फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन टाइप का रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है. अच्छा, इसको हीट भी किया गया है, एक स्टेप ये भी है साथ में हमारे पास में.
हीट भी किया गया है, तो इसका मतलब ये तो इंटरमीडिएट बनेगा और फिर इससे जो है हमारा एनहाइड्राइड बन जाएगा। जैसे मैंने कहा था कि ये ओपन चेन है, तो इसलिए इसमें रोटेशन हो जाएगा। अब इस कंपाउंड को बेंजीन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं AlCl3 की प्रेजेंस में, तो ये फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन टाइप हो जाएगा। तो फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन से जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो ये प्रोडक्ट बन गया। अब इसको जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट करा देते हैं, तो जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ जो रिएक्शन होगी ये प्रोडक्ट बन गया, और इसको H3PO4 के साथ ट्रीट कर देते हैं। इसको H3PO4 के साथ ट्रीट करेंगे तो ये फर्दर इंट्रा मोलिकुलर फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो जाएगा। इंट्रा मोलिकुलर फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसी सीरीज के अंदर, तो इसको आप अच्छी तरीके से रिवाइज करिएगा। तो ये हमारे पास में जो कंपाउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो W है, तो दिस इज W एंड दिस इज V। सो नाउ यू कैन नोटिस W एंड V। तो देखिए V जो है हमारा एक एनहाइड्राइड है, साइक्लिक एनहाइड्राइड, और W जो है वो कीटोन है। तो V साइक्लिक एनहाइड्राइड है और W जो है वो एक कीटोन है। तो ये तो कीटोन तो हमें ऑप्शन A में ही नजर आ रहा है, तो दैट इज आर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द केमिकल कन्वर्जन्स इन लिस्ट 1 विद द एप्रोप्रिएट रिएजेंट्स इन लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो ये हमें जो है सेलेक्ट करना है इसके अंदर। सो देखिए, फर्स्ट रिएक्शन के अंदर हमारे पास में क्या हो गया कि हमने एक टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड ले लिया, और इस टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड को एल्कीन के अंदर हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एल्कीन के अंदर इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा जो है एलिमिनेशन हो गया। तो एलिमिनेशन के लिए तो हमें स्ट्रॉन्ग बेस की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पर जो रिएजेंट है दैट इज़ इन ऑप्शन 2। नाउ ये एक हमारे पास में एल्कोक्साइड है, इस एल्कोक्साइड को हम ईथर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें कोई एक सबस्ट्रेट चाहिए होगा जहाँ पे हैलाइड होगा, तो वो सबस्ट्रेट हमें नज़र आ रहा है ऑप्शन 3 के अंदर। इस साइक्लोएल्कीन को एल्कोहल में 3 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हो, तो 3 डिग्री एल्कोहल का मतलब या तो वाटर की प्रेजेंस, मतलब एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन होना चाहिए, या ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन होना चाहिए। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन दैट इज गिवन इन 1, और ये जो है हमारे पास में बेसिकली HBO रिएक्शन हो गई, एंड दैट इज गिवन इन ऑप्शन 4, HBO रिएक्शन। सो ये 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4 हमें चेक करना है किस ऑप्शन में गिवन है। सो 2, 3, 1, 4 ऑप्शन ए में गिवन है, 2, 3, 1, 4। तो इसका आंसर जो है हमारा ऑप्शन ए है। सो इसको मैं यहीं रोकता हूँ। तो बाकी के जो हमारे क्वेश्चंस हैं 2013 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2014 एंड ऑनवर्ड ही स्टार्ट होगा। सो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, सो प्लीज़ वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर योर एंटायर सीरीज। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सीरीज़।